गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम प्रेस्टिंग फ्रॉम द ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ट्रिक वर्ड पावर का, जो आप लोगों को वर्ड पावर रटने से बचाएगा और आप लोग आसानी से उस सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। हम लोग ये सारी चीज़ यूज करते रहते हैं तो आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम लोग वर्ब से नाउन बनाते हैं। वर्ब से नाउन बनाते समय बस बहुत ही सिंपल से यूज करना है, ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं लेकिन सिंपली मैं बतलाता हूं कि किसी भी वर्ब में अगर ER या OR जोड़ देते हैं तो दोस्तों वो बन जाता है आपका नाउन और अर दे देता है वाला का। ठीक है, इस तरह से ही आपका वाला का अर दे देता है। जल्दी से हम लोग देखते हैं पहला वर्ड, जैसे हम लोग हमेशा ही यूज करते हैं टीच यानी कि पढ़ाना और ER उसमें जोड़ देते हैं तो बन जाता है टीचर, यानी कि टीचर कहने का अर्थ होता है शिक्षक या पढ़ाने वाले, यानी कि पढ़ाने वाले को हम लोग टीचर कहते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, बहुत सारा वर्ड मीनिंग बनेगा इससे, जैसे स्पीक मैंने बोलना और स्पीकर यानी कि बोलने वाला। जैसे हम लोग मार्केट से खरीदते हैं दोस्तों स्पीकर, और ये स्पीकर हम लोग क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें से आवाज निकलता है और यह कुछ बोलता है। अब चलते हैं अपने अगले शब्दों की तरफ, जैसे कैलकुलेट, कैलकुलेट कहने का अर्थ होता है गणना करना और कैलकुलेटर यानी कि गणना करने वाला, उसमें हम लोगों ने OR जोड़ दिया और यह आपका बन गया दोस्तों गणना करने वाला। तो बहुत ही इजी यह है ट्रिक्स, जिसमें वर्ब के अंत में हम लोग ER या OR लगाते हैं और इस तरह से हम लोग अपने नाउन बना लेते हैं और वाला के अर दे देता है दोस्तों। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग अगर चलाते हैं तो उसको हम लोग ऑपरेट कहते हैं और ऑपरेट में जब OR जोड़ते हैं तो बन जाता है ऑपरेटर। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाता है, जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो हम लोग मोबाइल चलाने का ऑपरेटर हो गए, या कंप्यूटर चला रहा है तो यह भी दोस्तों आपका ऑपरेटर है। अब चलते हैं अब अपने अगले शब्द की ओर, जैसे कभी भी हम लोग कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो बोलते हैं कस्टमर केयर कि 2 मिनट अपने मोबाइल को होल्ड कीजिए और उसके बाद मैं आपको बतलाता हूं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, पैसा कहां कटा है। तो इस तरह से होल्ड कहने का अर्थ होता है दोस्तों पकड़ना और ER लग गया तो होल्डर यानी कि पकड़ने वाला, जो कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में होल्डर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये काफी आसान है वर्ड पावर अपने माइंड में रखने के लिए। अब चलते हैं अपने अगले शब्द की तरफ, यहां पर जैसे कूल, गर्मी के दिन में हम लोग कोई भी रूम को ठंडा करने के लिए या गर्मी से बचने के लिए हम लोग कूलर का प्रयोग करते हैं और कूल जो है यहाँ पर वर्ब का भी काम करता है जिसका अर्थ होता है ठंडा करना और कूलर यानी कि ठंडा करने वाला, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जैसे हीट मीन्स होता है गर्म करना और हीटर कहने का अर्थ होता है गर्म करने वाला, हम लोग रूम हीटर का प्रयोग हमेशा करते हैं जाड़े के दिनों में। जैसे राइट मैंने लिखना होता है और राइटर मीन्स लिखने वाले, इसी तरह से बहुत सारा शब्द हमारे सामने आएगा। जैसे हैंग कहने का अर्थ होता है टांगना या लटकाना, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में फांसी देना भी बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन घर में हम लोग कपड़ा टांगने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं तो हम लोग हैंगर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यह काफी आसान है और बहुत ही आसान ट्रिक से जो आपके माइंड में यह हर चीज डाल देगा कि किस तरह से वर्ड पावर को बनाया जाता है। इसके आगे बहुत सारे में आप लोगों को ट्रिक्स बतलाते रहूंगा। चलिए देखते हैं, जैसे स्टिक, स्टिक कहने का अर्थ होता है चिपकना या चिपकाना, और स्टिक से ही दोस्तों बना है स्टिकर, जिसका हम लोग प्रयोग कोई भी चीजों को चिपकाने के लिए करते हैं। जैसे स्टिकर है कहीं भी चिपक जाता है, इसलिए हम लोग इसको नाम दिए हैं स्टिकर। जितने भी हम लोग नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं तो सबका नाम हम लोग दोस्तों इंग्लिश में ही रखते हैं ताकि हम लोग आसानी से सारे चीजों को सीख सके। जैसे अगला शब्द आपके सामने आ गया दोस्तों, लिप, लिप कहने का अर्थ होता है होंठ, और लिप के ऊपर, होंठ के ऊपर जो चिपक जाता है तो उसको हम लोग लिपस्टिक बोलते हैं। कहने का अर्थ दोस्तों यह आपका जो होंठ है, होंठ के ऊपर जो स्टिक हो गया यानी कि चिपक गया, वही आपका कहलाता है लिपस्टिक। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि लिपस्टिक जो है यह बना कैसे,
जो यह बना कैसे, तो इन सारे चीजों को हम लोग आसानी से सीख सकते हैं अगर हम लोग इसको होठलाली कहते हैं दोस्तों, और बाहर में जाकर इसको अगर डिमांड करेंगे होठलाली दे दो, तो हो सकता है वो आपकी इस लैंग्वेज को न समझ पाए। इसलिए ये सारी चीज़ों को जो नए प्रोडक्ट होता है, नए चीज़ों का आविष्कार होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ही, और इंग्लिश में ही उसका नाम रखा जाता है ताकि दुनिया के हर लोग आसानी से इसे सीख सके, समझ सके। अब चल दिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं, जैसे प्ले, प्ले में ईआर जोड़ दिए तो बन गया प्लेयर, यानी कि खिलाड़ी, जो कि आप लोग आसानी से जानते हैं यह आपके हैं खिलाड़ी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे शब्दों को सीखा, और भी बहुत सारे चीज है, जैसे हम लोग सीख सकते हैं रन कहने का अर्थ होता है दोस्तों दौड़ना, और रन से ही बना हुआ है, इसमें हम लोग ईआर जोड़ देते हैं दोस्तों तो रनर बना हुआ है, रनर कहने का अर्थ होता है धावक यानी कि दौड़ने वाला। लेकिन कहां पर दोस्तों हम लोग जब ईआर या ओआर लगाएंगे या कुछ भी लगाते हैं तो लास्ट वाले शब्द को हम लोग डबल कर देंगे, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा कुछ स्पेलिंग रूल्स कि कैसे हम लोग शब्दों को डबल कर देते हैं। इस तरह के ट्रिक्स को जानने के लिए दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मस्ट ज्वाइन ऑक्सब्रिज इंटरमीडिएट इंग्लिश गोलक्षणी सासाराम, और यू आर मोस्ट वेलकम in my coaching, and thanks for watching this video.